हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। हो सकता है आपको ये चीज आता हो सकता है आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट हो। सब कुछ क्लियर होगा, डायरेक्शन को लेकर के, धारा को लेकर के, बल को लेकर के सब कुछ क्लियर करेंगे, साथ में बल आघूर्ण को लेकर के सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम समझते कि NS हमारे पास एक चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। फिर हमने इसमें एक PQRS एक क्या है आयताकार लूप को रखा है जिसमें I धारा बह रही है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं भाई यहां पे N है और यहां पर एक चुंबक का ध्रुव S है, तब मैं यदि आपसे कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से होगी, तो N से निकल करके कहां चलती है, S की ओर चलती है। तो जो इसकी दिशा है कहां से कहां है भाई साहब, N से S की ओर। यानी मैं यहां पे एक मान लो मान के चलता हूं मेरे बच्चों, ये मेरे पास ये बुक है, इधर एक ध्रुव हो गया और एक ध्रुव इधर है, मेरे पास दो बुक है और यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं और इधर चल रही हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब बुक इतने मोटे मोटे हैं, हम लोग मोटे ही बुक यूज करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ऐसी कुछ ऐसी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एन से निकल करके चुंबकीय क्षेत्र रेखा एस, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। अब देखो इस पे जो आयताकार लूप किस प्रकार से है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पास एक छोटा सा रफ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो आयताकार लूप, चाहे इस प्रकार रखो, आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से रखो, ऐसा कर दिया आपने, चाहे इस प्रकार से रख दिया आपने, है ना, चाहे इसको घुमा करके ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की दिशा इधर करोगे तो भी ठीक, धारा की दिशा इधर से इधर करोगे तो भी ठीक। तो मेरे पास एक यहाँ पे क्या था मेरे बच्चों, एक मेरे पास यहाँ पर एक क्या था, एन ध्रुव, इधर मेरे पास एस ध्रुव, और इसके बीच में आयताकार लूप मैंने रख दिया। इस प्रकार से आयताकार लूप आपको दिख रहा है, ये आयताकार लूप है, इसमें धारा बह रही है, यहां से धारा बह रही है आगे चलकर के ऐसे PQRS। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया चीजें, तो क्लियर है कि एक आपके पास ये धारावाही लूप है, एन ध्रुव एस ध्रुव, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन चुकी है। मैं डायरेक्ट डायग्राम में एन और एस दर्शा दिया है, चाहे तो आप ऐसा भी बना सकते थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना देते और फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा में मेरे बच्चों एक मैं क्या कर देता, धारावाही लूप रख देता। ओके, तब इस पे बल आघूर्ण, क्वेश्चन ही देखो ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रख दिए, उस पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है, ये चीज निकालना होगा सिंपल वे से। चलिए शुरू करते हैं, जो हमने लिखा है यानी मतलब इस डायग्राम में प्रदर्शन किया है वही चीज हम लिखेंगे। टंटनाटन चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मानकर चलते हैं मेरे बच्चों, एक हमारे पास आयताकार लूप है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। ओके चलो, तो यहां पर शुरू करो, माना पी क्यू आर एस एक कैसा है, आयत के आकार, तो आयताकार क्या है, आयताकार लूप है, लूप है जो एक समान, जो एक समान कहां रखा है मेरे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस में रखा है मेरे बच्चों, तो बी में रखा है, बी में रखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, एस पर समाप्त होती हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एन से एस की ओर होगी। ओके, और फिर यहां पे एन है, यहां पे एस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार चल रही है, इसमें एक आयताकार लूप रख दिया हमने। ठीक है, चलो आगे देखो जरा, ये जो आयताकार लूप की लंबाई हम लेकर चलेंगे पी क्यू और हम लेकर चलेंगे आर एस, ये दो आयताकार लूप की लंबाई है जिसकी लंबाई एल मान लेंगे, और यदि हम क्यू आर और पी एस इनकी चौड़ाई मान ले तो इसकी चौड़ाई को बी मान लेते हैं, वृत्त, वृत्त नहीं चौड़ाई, कोई दिक्कत। चलिए आगे यहां पर थोड़ा देखना, यहां पे जो आपका क्यू आर है और पी एस है, क्यू आर या एस पी दोनों क्षैतिज है ऐसे, है ना, और दो हमारे पास पी क्यू और आर एस दो ऊर्ध्वाधर है। फिर से समझो थोड़ा सा, हमने आपको एक रफ के माध्यम से समझाया था कि इधर से पहले बच्चों एन है, इधर एस है, तो ये जो है क्षैतिज कहलाएगा और दो ऊर्ध्वाधर कहलाएंगे। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर की लंबाई हम मानकर चलेंगे और क्षैतिज में चौड़ाई मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यदि मैं कह दूं आपसे कि जो आपका पी क्यू व आर एस ऊर्ध्वाधर है, कैसे ऊर्ध्वाधर, तथा क्यू आर एस पी
36 दिशा में है, ठीक है। माना जो आपका लंबाई है ना, यानी लूप की लंबाई, माना लूप की लंबाई, ऐसा लेके माना लूप की लंबाई, लंबाई हम पी क्यू, और प्यारे बच्चों एक हम लेकर चलते हैं आर एस एल, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ले सकते हो, मीटर नहीं है तो हम कछु नहीं मानते हैं। वह लूप की चौड़ाई, लूप की चौड़ाई, लूप की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो यदि हम क्यू आर और यदि हम एस से पी की ओर धारा जाएगी, क्योंकि यहां से चल रही है तो यहां से ऐसे धारा बहेगी, तो एस पी की दिशा हम ले लेते हैं। एस पी बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, इसकी चौड़ाई हम बी मान के, माना मान रहे हैं इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। माना में आप कुछ भी ले सकते हो भाई, जो हम ले रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे हो, ओके। चलो, जब आयताकार लूप में, क्या लिख दिए भाई, जब आयताकार लूप में, जब आयताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो आयताकार लूप में हम आई धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो आयताकार लूप का प्रत्येक भाग है उस पे एक बल कार्य करेगा, समझ रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास आयताकार लूप है, जब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करेंगे तो लूप पर एक बल कार्य करेगा, प्रत्येक आयताकार भाग के प्रत्येक भुजाओं पर, ठीक है। आयताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा में एक बल कार्य करेगा। इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, मजा आएगा। अभी मैं कुछ नहीं लिखा हूं, जो मैंने माना कि भाई एक आयताकार क्वेश्चन में ही देके रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, चलो धारावाही लूप हमने ले लिया, तो हमने कहा भाई एक धारावाही लूप है, आयताकार वृत्ताकार मतलब आयताकार लूप है पी क्यू आर एस, जिसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, ठीक है। अब इसको हमने ये बताया कि जो आपका पी क्यू और जो आर एस है ना, दो ऊर्ध्वाधर है और ये दो क्षैतिज है, क्योंकि यहाँ पे कोण का मान ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से कोण का मान डिनोट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सर क्या सही कह रहे थे क्या गलत कह रहे थे, समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो ये जो क्षैतिज है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, कैसे, ये मैंने कहा आयताकार लूप है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा है और ये क्षैतिज भी ऐसा है, जब डायरेक्शन सेम रहता है तो उनके बीच कोण कितना बनता है 0 डिग्री, और जब डायरेक्शन विपरीत होता है, जैसे मान लीजिए धारा यहां से बह रही है इधर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा इधर है, तो यहां पर जो दोनों के बीच कोण बनेगा 0 डिग्री एक ही दिशा पे। लेकिन प्यारे बच्चों यदि मैं कह दूं नीचे धारा यहां से चलेगा, ध्यान देना इस कोने से चलेगा, यहां पे चलेगा, फिर इधर से इधर मुड़ेगा, तो जब धारा की दिशा इधर आ गई और चुंबकीय क्षेत्र की इधर, तो एक दूसरे के विपरीत, तो 180 डिग्री कोण बनता है। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, दो चीजों में डायरेक्शन एक ही ओर हो तब बीच का जो कोण बनता है वो बनता है 0 डिग्री, डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो तो कोण बनता है 180 डिग्री, और जब लंबवत हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी है और इस धारा की बात करूं तो इस धारा भाई साहब इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि धारा ऊपर की ओर दी जा रही है या धारा नीचे की ओर जा रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की ओर इस प्रकार से चल रही है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत। समझ में आ गया। तो हमने कहा जब आयताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो प्रत्येक भुजा में एक बल कार्य करेगा, ये जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में है ना लटका दिया जाए या रखा जाए और उसमें आई धारा प्रवाहित किया जाए, तो फार्मूला होता है आई एल वी साइन थीटा। इसको यदि आप सदिश रूप में लिखना चाहो तो आई एल क्रॉस बी हो जाता है,
एल क्या हो जाता है, उस चालक की लंबाई बी चुंबकीय क्षेत्र, आई आपका धारा हो जाता है। ये बल हमें प्राप्त होता है जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाए। ध्यान ये रखना है बच्चा लोग, ये जो थीटा है वो डिपेंड करता है कि चालक तार को कितने कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। 90 डिग्री पर रखेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, 0 डिग्री पर रखेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, यदि हम 180 डिग्री पर रखेंगे तो कुछ अलग वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता हो गया। F बराबर ILV sin थीटा, इसका मैंने व्यंजक कराया था कि जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कितना बल लगता है, उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, जो बल होता है चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। चारों को मिलाकर लिख देंगे, के का मान एक रख देंगे, फार्मूला निकल कर आ जाता है। सिंपल वे से आपको मैंने पूरा कंप्लीट कराया था। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे देखते हैं। तो अब आप लिखोगे धारावाही, क्या लिखोगे, धारावाही भुजा। किस भुजा को लेकर चलोगे, मैं लेकर चलता हूं पी क्यू, क्या पी क्यू, देखो जरा, धारावाही भुजा पी क्यू पर लगने वाला बल, क्या लगने वाला बल, एफ वन मानकर चलते हैं बच्चे लोग। एफ वन कितना होगा, धारा आई है, ठीक है सर, धारा आई है, ठीक है, फिर से आप समझो, इसकी लंबाई एल है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस बी है तो बी कर दो चुंबकीय क्षेत्र। जब इसको आप तोड़ोगे तो ये फार्मूला टूट कर आएगा, आई एल वी साइन, और साइन यहां पर थीटा, और थीटा के जगह 90 डिग्री रखूंगा तो इसका मान आ जाएगा आई एल बी। ये 90 डिग्री क्यों हो गया, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये 90 डिग्री क्यों हो गया। ये मैंने आपको कहा धारावाही मतलब आयताकार लूप है, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, N से S की ओर, मतलब इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और इसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो जरा, P को लेकर चल रहा हूं, यहां से P से Q, तो जब PQ में धारा ऐसी बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है, मतलब आपके पास धारा चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से कुछ है और धारा ऊपर की ओर, तो ये जो भाई लंबवत है इसलिए कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री क्यों रखा हमने, क्योंकि पहले बच्चों 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो आई एल बी हो गया एफ वन का मान, किसका मान हो गया, एफ वन का मान, यानी एक बल यहां पर एफ वन लग रहा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके चलिए, अब मैं यदि इसी प्रकार आपसे कह दूं कि आप लिखोगे धारावाही भुजा क्यू आर पर लगने वाला बल F2, बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर यहां पे 0 डिग्री बन रहा है। कैसे 0 डिग्री बन रहा है, फार्मूला तो वही रहेगा, आई धारा है, लंबाई यहां पे बी है, बी क्यों, क्योंकि यहां पर बच्चों चौड़ाई हमने मानकर चला तो बी है, बी क्रॉस बी कर दो, है ना, जब इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आई वी बी, स्मॉल बी उसकी लंबाई हो गई ना, लंबाई है पी की, ऐसा, और साइन आपका 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0, इसलिए यहां पर जो आपका बल है वो 0 आ गया, बल कितना है 0 आ गया। फिर से समझा रहा हूं, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी जा रही है ना, इस भुजा की भी दिशा इधर ही है, देखो धारा इधर बह रही तो डायरेक्शन इधर ही है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसा है और धारा भी ऐसी है, तो दोनों के बीच जो कोण बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों वहां पर जो बल है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कंप्लीट है। चलो आगे हम देखते हैं फिर बच्चों, थोड़ा सा सिंपल वे से देखो। अब मैं आपको यदि कह दूं इसी प्रकार धारावाही भुजा आर एस में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे F3 है सर, क्या है F3, ये F3 हो गया, और यदि मैं कह दूं I धारा है, L लंबाई है, सही बात है, और 90 डिग्री है, सेम जैसे ये 90 डिग्री धारा नीचे की ओर आ रही, बाकी 90 डिग्री, तो ILB हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया,
इसका मान भी आएगा ILV, दोनों बराबर हैं, बस दिशाबस चेंज होगा, दिशाबस चेंज होगा, दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, चीजें क्लियर है? ठीक है, अब भुजा पी एस पी पर लगने वाला बल बताओ जरा कितना हो जाएगा? F4 बराबर कितना हो जाएगा बता सकते हो आप लोग? हाँ सर, देखो धारा I बह रहा है, चौड़ाई इसका B है ना, और फिर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मान शून्य होता है। ये साइन 180 क्यों हो गया बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है और धारा की दिशा इधर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है और धारा इधर जा रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो 180 डिग्री। मैं पहले भी बताया कि जब एक ही ओर डायरेक्शन हो तो 0 डिग्री, जब विपरीत दिशा में डायरेक्शन हो तो 180 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो फिर 90 डिग्री। तो फिर देर किस बात की समझने के लिए? और स्क्रीनशॉट कौन लेगा बच्चा? लो, हम की आप ही लोगे। चलो, तो देर किस बात की, यहां पर समझो थोड़ा सा। अब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ और धारा की, सॉरी, इसमें लगने वाले बल की दिशा बताओ। चूंकि आपको पता है कि ये क्षैतिज में है, ये भी क्षैतिज में है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इस पे बल लग रहा है वो बल है ही नहीं। ठीक है, तो हम यदि कहें कि जो आपका F2 निकल कर आया वो 0 आया, F4 जो निकल कर आया 0, तो इसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं। अब डायरेक्शन जो दिशा है हमको निकालना है PQ और RS। ठीक, मतलब ये हमारे पास एक आयताकार लूप है, यहां पर कोई बल नहीं लगकार कर रहा है, नीचे भी कोई बल कार नहीं कर रहा है, केवल यहां पर और यहां पर जो धारा बह रही है, एक ऊपर की ओर जा रही है P से Q और एक यहां से R से S। तो फिर इसमें जो हम धारा बहा रहे हैं, फिर इसमें जो बल का अनुभव हो रहा वो क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो। ठीक, ये मैं कह रहा हूं, थोड़ा समझना। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो मान लीजिए चाहे हम दाएं हाथ का नियम ही ले लें, तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जिधर धारा उधर अंगूठा हो। लो सर, ये लो अंगूठा धारा की दिशा में। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में उंगली हो। ठीक है, लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र में उंगली हो तो लगा दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है ना, तो उंगली की दिशा इधर ही है, लंबवत हमने फैलाया है अंगूठा धारा की दिशा पे, तो बल जो होगा हथेली के लंबवत होता है, ये हथेली है ना, हथेली किधर है मेरा, इस साइड है, तो यहां पे जो एक बल कार्य करेगा अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी जो F1 है वो अंदर की ओर बल कार्य कर रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, मतलब यहां पर मैंने कहा कि भाई साहब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये लंबवत धारा है, तो अंदर की ओर होगा। कहां से समझ में आया? कहां से? मैंने कहा कि ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये मेरा धारा है ना, तो भाई हथेली को इसी तरीके से फैलाना है, जो उंगलियां हो वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, चुंबकीय, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसे करने पर धारा नीचे की ओर जा रहा है, धारा ऊपर की ओर होना चाहिए, है ना, धारा ऊपर की ओर चल रहा है, तो अंगूठा ऊपर की ओर है, तो फिर यदि हम बात करें बल, तो हथेली के लंबवत अंदर की ओर, देखो जरा अंदर की ओर, तो मैंने कहा ये जो बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है। इसके विपरीत अब देखना, इसके विपरीत ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही है, ठीक है सर, धारा की दिशा नीचे की ओर है। अब इसका अपोजिट करो, देखो जरा, उंगली हमारे चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं, फिर से समझो, उंगली हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं, ठीक सर, इधर से इधर आइए ना, एन से एस की ओर ऐसी है, अंगूठा हमारा धारा की दिशा को बता रहा है, ठीक है सर, अंगूठा धारा की दिशा, तब हथेली के लंबवत बल कार्य करेगा, तो हथेली के लंबवत बल कार्य करेगा, मतलब इस पे जो बल लग रहा है मेरे बच्चों, इसमें जो बल लगेगा वो हमारा F3 होगा, वो बाहर की ओर। समझ में आया? फिर से कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, ये मेरे पास आयताकार लूप है, इस पे धारा ऊपर की ओर है, मैंने ऐसा दाएं हाथ के नियम में मैंने समझाया था कि मेरे बच्चों जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बताएं और जो अंगूठा है धारा, तो ऐसा धारा इधर जा रहा है, इस वाले में धारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो अंगूठा ऊपर की ओर करा, तो इसके लंबवत बल, मतलब एक बल यहां कार्य कर रहा है, एक बल यहां पे कार्य कर रहा है, ऐसा इसके लंबवत। इसके बाद जब यहां पे धारा नीचे की ओर जा रही है, तो धारा नीचे की ओर, तो अंगूठा नीचे की ओर करो,
और हमारा चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही है, तो ऐसा हमने कर लिया, तो फिर हथेली के बाहर, तो एक बल ऐसा कार्य कर रहा है ना, एक बल ऐसा कार्य कर रहा है इसके लंबवत, और एक बल ऐसा कार्य कर रहा है, ये देखो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो एक काम करेगा ये भाई, ये कोशिश करेगा इधर खींचने को, ये कोशिश करेगा इधर खींचने को। अब इस प्रकार से खींचेगा तो इस पर एक बल का आघूर्ण होगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। इसे तो कहते हैं बल आघूर्ण, इसे तो कहते हैं बल आघूर्ण। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिख लो। तो यहां पर शॉर्टकट में लिख देंगे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार या दाएं हाथ के नियमानुसार, आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ भी वही कहता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का लगा लो चाहे दाएं हाथ के नियमानुसार, जो भी आप कह सकते हो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऐसा है, देखो इसको भी समझा देता हूं। ये मेरा प्यारे बच्चों तीन है, ठीक है, ये तीन है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ठीक, देखो जरा, ये जो मेरा तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां ऐसा है, है ना, अंगूठा धारा की दिशा, तो जो मेरा ये है लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। तो बल कहां होगा? अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। इसी प्रकार यहां पर करेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और हमारा धारा अंगूठा बताएगा, तो ये धारा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो ये लगने वाले बल को बताएगा। समझ रहे हो? ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो चाहे फ्लेमिंग का लगाओ चाहे डायरेक्शन, तो आप समझ में आ गया आपको। तो फ्लेमिंग के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है, क्या प्यारे बच्चों, दोनों बल ऐसा लिख सकते हो, बल F1 अंदर की ओर तथा बल F2, F3, है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बल F1 अंदर की ओर तथा बल F3 बाहर की ओर, बाहर की ओर दिख रहा है, बाहर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब मुझे स्क्रीनशॉट लेने से, है ना, समय नहीं देना होगा, आप लोग कर लिए होंगे। अब इसको मैं क्लीन करता हूं, आगे मुझे भी बहुत कुछ समझाना है। देखो थ्योरम है और विधिवत लिखने पर नंबर मिलता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि भाई साहब जो आपका बल F1 व F3 परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, ILB दोनों में आया था, किंतु एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, मैंने समझाया था, एक दूसरे के विपरीत, एक अंदर और एक बाहर। और जब एक दूसरे के विपरीत है तब ये प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये जो बलयुग्म है ना, बलयुग्म है, एक प्रकार से बलयुग्म आघूर्ण के रूप में कार्य करेंगे। आघूर्ण मतलब घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? मैं क्या कह रहा हूं, ये जो दो बल हैं F1 और F3 परिमाण में बराबर हैं किंतु एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बलयुग्म का निर्माण करेंगे। और जब बलयुग्म का निर्माण करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें कुछ ना कुछ आघूर्ण होगा जिसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर से आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, F1 और F2, थोड़ा सा डायरेक्शन आपको समझा दूं। मैंने कहा था प्यारे बच्चों इसमें एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है, एक बल बाहर की ओर, तो एक कोशिश करेगा अपनी ओर खींचने को, एक कोशिश करेगा इधर खींचने को, तो दोनों घुमाने का प्रयास करेगा, जिस कारण एक घूमेगा, जिस कारण आघूर्ण पैदा हो जाएगा, आघूर्ण मतलब घूमेगा, है ना। तो बल F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं किंतु एक दूसरे के विपरीत हैं, जिससे बलयुग्म का निर्माण होगा। क्या होगा? जिससे बलयुग्म का निर्माण होगा, होगा कि नहीं, इसलिए इसलिए धारावाही लूप पर बल
आघूण आप लोग लगाओ। बल आघूण का फॉर्मूला ये होता है कि एक बल गुणे जो दोनों बल हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, समझ रहे हैं, यानी दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों बलों के क्रिया रेखा की क्रिया दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसका डायग्राम कैसे समझोगी। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों, यहां पर एक बल इधर कार्य कर रहा है ना, मान के चलता हूं अंदर की ओर, तो एक बल मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ऐसा अंदर की ओर कार्य कर रहा है F1, ठीक है। और जब आप प्यारे बच्चों इसको ऐसा देखोगे तो एक बल नीचे की ओर और एक बल ऊपर की ओर, ऐसा दिख रहा है, देखो जरा, है ना, तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ऐसा है, जब आप इसको ऐसा करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, देखो जरा, है ना, तो ये वाला पोर्शन दिखेगा तो कुछ इस प्रकार से पोर्शन दिखेगा, ये वाला QR, तो इसकी लंबाई कितनी है B, और एक बल बाहर की ओर लग रहा है ना, वो कौन सा F3। यदि मैं इसकी क्रिया रेखा की बात करूं, इससे लंबवत खींच दूं, ये क्रिया रेखा होगी, तो दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है बी, तो एक बल कितना था प्यारे बच्चों आई एल बी ये आपने निकाला था, और क्रिया रेखा के अक्ष के बीच की दूरी कितनी है, आप यदि कह दो QR तो QR कर दोगे, क्या कर दोगे QR तो QR कर दोगे, और QR प्यारे बच्चों कुछ बुक में इसका लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, यदि मैं कह दूं आई रहने दो, एल गुणे बी अलग कर दो, और आपका हो जाएगा ये बी। अब देखो, अब मैं कह दूं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो चूंकि एल इंटू बी बराबर कैपिटल ए होता है ना, इसलिए मैं कह सकता हूं आई ए बी। अब यदि मैं कह दूं, जैसे मेरे पास ये आयताकार एक वृत्ता, मतलब आयताकार एक लूप है, इसमें n फेरे हो, कितने फेरे हो, n फेरे, फेरों की संख्या n हो, समझ रहे हैं, तो लूप में फेरों की संख्या n हो, तो आगे लिखें, यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो बच्चा लोग, n हो, तो कैपिटल n मान लिए, तो जो बल आघूर्ण टाऊ है, तो टाऊ बराबर कितना हो जाएगा, आई धारा है, एन फेरे हो तो एन का गुणा कर दो, एक फेरे में इतना, तो एन फेरे में इतना हो जाएगा। यही आपका बल आघूर्ण का व्यंजक निकल कर आ गया, कोई कंडीशन नहीं, कोई आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, यही अभीष्ट बल आघूर्ण का व्यंजक है। आपके क्वेश्चन में पूछेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है, तो टाऊ बराबर आई एन ए बी, एन जहां फेरों की संख्या है, ए हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, बी आपका यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से आपका आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है 96 85 29 51 49, 100 रुपीज चार्ज है, वन सब्जेक्ट का प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा।